किया था, इसी मंदिर में पूजा से किया था, इसी माँ के आशीर्वाद से किया था। आज उस वक्त अकेला आया था, मम्मी डैडी थे। आज जो है मेरे मम्मी डैडी जो कलकत्ता में है, मेरी बड़ी बेटी जो बॉम्बे में है, सब मानसिक तौर पे सब इधर है, और मैं मेरी बीवी और देख रहे हैं छोटी बच्ची जो है नैना, इसको लेके हमने साथ में आज पूजा दिया। और मंदिर के अंदर ही बोल रहा हूँ, मन में जो है एक बहुत शांति है, क्योंकि 5 साल जो है बहुत ही निष्ठा के साथ हमने काम करने की कोशिश की। और एक सांसद को सिर्फ 5 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन मैंने बहुत काम किया, आप लोगों को भी मालूम है। तो सेकेंड टाइम जब कोई एक ही जगह से चुनाव लड़ता है, तो मेरे ख्याल से सारे जवाब जो है उसी में आधा दिया जाता है, कि आप अगर जो घोड़े होते हैं वो एक जगह से पहले लड़ते हैं, फिर वहाँ से भाग के कहीं और चले जाते हैं। मुनमुन सिंह भगोड़े नहीं, मुनमुन सिंह के बारे में मैं इस तरीके की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बात सही है, अगर मंदिर के अंदर बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट में उनका जो अटेंडेंस है वो सिर्फ 17% था, 17% था, जो अच्छा नहीं है। और ऑब्वियसली जहाँ से वो लड़े हैं, जहाँ से वो पहली बार वासुदेव आचार्य जैसे किसी को हराया था, वहाँ पर अगर अच्छा काम उन्होंने किया होता तो ऑब्वियसली उनका केंद्र जो है वो चेंज नहीं किया जाता। इस बार वहाँ पर हैवी वेट सुब्रत दा को दिया गया है। तो मैं 5 साल के बाद अगर आऊँ, यहाँ पे आया हूँ, तो मन में बहुत शांति है। सही में लोगों के लिए हर तरीके से, अगर 100 करोड़ से ज़्यादा लागत लाना ब्रिज में, हॉस्पिटल में, पहला पासपोर्ट ऑफिस, पहला आधार कार्ड ऑफिस, जो एयरपोर्ट बंद हो गई थी, वहाँ से 4-4 फ्लाइट शुरू करना उड़ान 1 उड़ान 3 के तहत, फिर आसनसोल स्टेशन तो आप लोग देख ही रहे, पूरा बदल गया है। CSR से 5 करोड़ रुपया मिलता, CSR फंड से जो है अलग अलग कंपनियों से पैसा लाके 2000 से ज़्यादा सब जगह में लाइट्स लगाना, और क्या बोलते हैं दुरंतो राजधानी जैसे ट्रेन्स का स्टॉपेज करना, तो और सड़कें वगैरह बनाना, सब सारी चीज़ें जो है बहुत निष्ठा के साथ काम किया। और माँ के मंदिर में यही कहूँगा कि अब मैं पॉलिटिक्स में जो है मैं सारी चीज़ें जान चुका हूँ, कहाँ कहाँ से बाधा आ सकती है ये जानना भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है, किस तरीके का पॉलिटिक्स हो सकती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो और एक सशक्त बाबुल सुप्रियो और ज़्यादा कठिनाई के साथ आज ये मंदिर से माँ का आशीर्वाद लेके निकल रहा है। इतना मैं पिछले बार आप लोग अकेले पूजे दिए थे, इस बार तो आपके साथ आपने धर्मपत्नी और बच्ची है, तो कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, और अगर आप देखेंगे तो मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, छोटी बेटी।